सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष का माह पितरों को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष के पहले ऐसी कौन सी संकेत हैं जिसको देखने से यह पता चलता है कि आपके घर में पितृ दोष है या नहीं? तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, कर्म कांड भी करते हैं। लेकिन पितृपक्ष के पहले कुछ ऐसे संकेत भी देखने को मिलते हैं जिसको देखने से यह पता चलता है कि आपके घर में पितृ दोष है। हालांकि घर में अचानक से पीपल का पौधा उगना, घर के आसपास कुत्ते का रोना, तुलसी के पौधे का अचानक से सूखना, शादी में रुकावट आना, ग्रह कलेश आदि का होना, ऐसा माना जाता है कि यह पितृ दोष का संकेत है। ऐसी स्थिति में किसी पुरोहित से पूजा पाठ कर पितृ दोष से निवारण पाया जा सकता है।